हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर मोशन इन ए प्लेन लेक्चर नंबर 16 फॉर क्लास 11th में डिस्कस करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी और यूज इन डेली लाइफ ऑफ रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन। तो एक प्रॉपर्टी हम उसकी पढ़ चुके थे, एक एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं जो कि क्या थी, अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम। सेकेंड है रिवर मैन प्रॉब्लम। बहुत ही ईजी सा होता है रिवरमैन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो, लेकिन कॉन्सेप्ट का क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बुक में जो रिवरमैन प्रॉब्लम से रिलेटेड एक छोटा सा आर्टिकल दे रखा है, एक या दो जो भी दे रखे हैं, मैं उनको ना करवा के डायरेक्ट आपको एक तरीका बताता हूँ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का, क्योंकि वो उसमें जो फॉर्मूला लगा रखा है वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करके कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती है। इसलिए मैं आपको इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का तरीका इस एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप सभी को कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखना है। हाँ, अगर कंसंट्रेशन आपकी पूरी रही तो 100% सभी को समझ में आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है वो आप डाल लीजिए। सेकंड एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं किसकी, रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन की इन आवर डेली लाइफ। तो आप यूज ऑफ रिलेटिव मोशन इन आवर डेली लाइफ, फर्स्ट क्या था, अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम। सेकंड क्या है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ से, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। He wants to cross a river that flows at 3 kilometers per hour and reach the point directly opposite to his starting point. जो स्विमर है वो चाहता है कि इस रिवर को क्रॉस करे, क्रॉस करने के बाद अगर उसने सपोज यहाँ से चलना शुरू किया था तो इसका बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे वो पहुँचना चाहता है। ठीक है, कब, जब रिवर की वेलोसिटी कितनी हो यहाँ पे, 3 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो, इधर ही गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो, तब वो पहुँचना पा रहा है, जा रहा है। ठीक है, सही बात है कि नहीं। चलिए, ये डायग्राम आपका गिवन है इस क्वेश्चन में, ये मैं सोचना कि बनाना पड़ा, या फिर अगर नहीं मिलेगा तो आपको ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है इसकी डायरेक्शन गिवन मिलेगी। उसके बाद है, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, उसको ऐसा करने के लिए किस डायरेक्शन में फ्लो करना है, स्विम करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। सोचिए आप, रिवर चल रही है ऐसे और आपको जाना है इसके अपोजिट एंड पे। ठीक है, तो रिवर आपकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है और रिवर की इस पे, तो रिवर आपको ऐसे ऐसे करता यहाँ पहुँचने की बजाय, यानी ये अपोजिट एंड्स हैं आपके, सपोज यहाँ से ऐसे आप जा रहे थे और ऐसे थी रिवर, तो आपका ये अपोजिट एंड था, आप चलोगे इधर और रिवर पुश करती करती आपको कहाँ ले जाएगी, यहाँ कहीं ले जाएगी। तो आपको तो यहीं पहुँचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में रिवर है उसका थोड़ा बहुत अपोज करना पड़ेगा, यानी आपको इधर जाना पड़ेगा, फिर ये रिवर आपको कहाँ पहुँचा देगी, यहाँ पहुँचा देगी। चलिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हम डेली लाइफ में इसका यूज़ कर रहे हैं, तो एग्जांपल भी डेली लाइफ से रिलेटेड लीजिए, उसको अप्लाई भी करके देखिए, सोचिए कि ऐसा कब होता है। बहुत ईजी सी बात है और शायद सभी को समझ में भी आई होगी। चलिए, यानी इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब है फाइंड द एंगल हिज बॉडी मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, यानी वो एंगल निकालिए कि इसकी बॉडी किसके साथ बनाए, रिवर के फ्लो के साथ बनाए, वो एंगल हमें निकालना है। ठीक है, रिवर के फ्लो के साथ इसकी बॉडी जो एंगल बनाएगी वो हमें यहाँ पे निकालना है। और अगला पार्ट जो है वो है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 meters wide। अगर ये रिवर की विड्थ है कितनी, वो 500 meters, तो स्विमर है कितनी देर में इसको क्रॉस कर देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले
जो हमें एंगल है वो किसके साथ निकालना है, जो रिवर का फ्लो है इसकी डायरेक्शन के साथ हमें एंगल निकालना है। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ रिवर में जो ये है, ताकि वेक्टर्स जो आपका रिजोल्यूशन हो वो आपको अच्छे से दिख जाए। अब देखिए अगर वो स्विमर इस तरह से कुछ चले, इस तरह से कुछ चल रहा होगा तभी तो वो अपोजिट एंड पे पहुंचा होगा, तभी तो वो अपोजिट एंड पे पहुंचा होगा। सही बात है या नहीं बताइए। रिवर जा रही थी उधर, स्विमर को पहुंचना था इधर, यहाँ से चल के। तो वो इधर अगर कोशिश करेगा जाने की, इधर इस डायरेक्शन में, अब वो एंगल ही तो हमें निकालना है, इस डायरेक्शन में अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका एंगल विद ओरिजिन। तो सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो कंसिडर कीजिए कि थीटा कौन सा होगा। तो पहले इसके दो कंपोनेंट्स बना देते हैं, एक अगर इधर है तो इसके ऊपर 90 का एंगल बनेगा, एक इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, अब मर्जी आपकी है थीटा किसको ले रहे हो, अब मर्जी आपकी है थीटा किसको ले रहे हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा होता है। तो अब जो मर्जी निकाल लीजिए, उसके बाद जो आंसर है उसको अच्छे तरीके से आपको बताना पड़ेगा, चाहे आप ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, लेकिन लेकिन लास्ट में आपको ये बताना पड़ेगा। इसने पूछा है कि जो रिवर का फ्लो है उसकी डायरेक्शन का, जो डायरेक्शन यानी उधर है उसके साथ एंगल बताना है, उसके साथ एंगल बताना है। उसके साथ एंगल का मतलब ये हो गया कि रिवर जा रही है इधर और वो जा रहा है इधर, तो हेड से हेड या टेल से टेल कंसाइन करने होते हैं तो टेल से टेल होगी, तो ये जो एंगल है ये रहेगा उसकी डायरेक्शन के साथ, जो फ्लो की डायरेक्शन है उसके साथ एंगल ये रहेगा। तो बहुत इजी सा है, कोई बड़ी बात है नहीं, आप निकाल दोगे, ये निकाल के 90 में ऐड कर दोगे आ जाएगा ना आंसर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पता चल गया ना निकालना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे क्या कि इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, इसको कितना मान लेता हूँ थीटा, इसको क्या मान लेता हूँ थीटा। अब देखिए इधर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, थ्री, मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, थ्री है, बताइए सही बात है कि नहीं, क्या है ये थ्री, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो भी यार लिख दूँ क्या, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, गिवन है, गिवन है। एक कंपोनेंट और जो हमारे पास गिवन है वो है ये, इस तरफ वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, कितने से जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो सबसे पहला काम क्या है, इस विड्थ को किस में बदल दो, किलोमीटर में बदल दो, तो 1/2 हो जाएगा ना, 1000 किलोमीटर होते हैं, तो मैं करता हूँ इसको 0.5 किलोमीटर ऐसे कर देता। ठीक है, तो ऐसा यूनिट्स में कन्वर्जन हो गया है। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एंगल तो आप निकाल ही दोगे, मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि एंगल आप बता दोगे। अब बात आती है कि वो इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, ये निकालना है। तो देखिए अगर वो इस तरफ जाएगा, यानी अगर मेरे को उसकी, किसकी, स्विमर की वर्टिकल वेलोसिटी मिल जाए, यानी इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा एक इधर आएगा, जो इधर की वेलोसिटी है वो मिल जाए तो डिस्टेंस मेरे पास रहा, फॉर्मूला लगा दूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, और टाइम वहां से निकाल दूंगा, डिस्प्लेसमेंट गिवन वेलोसिटी हम निकाल देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी निकालिए, क्या निकालिए, वर्टिकल वेलोसिटी निकालिए। तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये क्या रहेगी, तो
वर्टिकल वेलोसिटी जो रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, फाइव साइन नहीं सॉरी फाइव कोस थीटा, ये क्या रहेगी, फाइव कोस थीटा। बताओ सही बात है कि नहीं। फाइव इसका ये था इधर मैग्नीट्यूड इधर इस वाले का, और थीटा इसका एंगल था, तो ये इसका क्या बनेगा, जिसका एंगल पता हो वो कोस कंपोनेंट, ये आ गया फाइव कोस थीटा। ऐसे ये क्या आ जाएगा, फाइव साइन थीटा। तो सबसे पहला काम है थीटा निकालना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ओ ए बी, ये एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहला काम है हमारे पास ये निकालना, क्या निकालना, ये जो वैल्यू है ना इसकी, ये निकालना, ये कितनी रहेगी, कोई बता सकता है क्या कितनी रहेगी। तो शायद तो एक पार्ट आपका हो जाना चाहिए, जस्ट सिमिलर टू अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम, उसी तरह से हमें इसको भी रिजोल्व कर लेना है। तो एक डायरेक्शन आपको शायद इधर भी नज़र आ रही है, एक डायरेक्शन आपको इधर भी नज़र आ रही है, कर दूँ क्या इधर भी, ऐसे ऐसे कर दूँ, इधर थ्री, इधर कितनी है थ्री। तो अब इसको आपको करना है सोल्व। तो सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले तो एंगल के लिए सोल्व कर दीजिए, करें चलो। देखो यहां से देखो, थीटा की वैल्यू निकल सकती है क्या यहाँ से, हाँ निकल सकती है। ये एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, इन दोनों को अगर मैं बराबर रख दूँ तो क्या होगा, इन दोनों को अगर मैं बराबर रख दूँ तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, बहुत ही इजी सा है, फाइव साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री। भाई ये कंडीशन अगर होगी ना, अगर ये कंडीशन बनेगी तो ही तो वो यहाँ पहुँचेगा। बताइए सही बात है कि नहीं। देखो रिवर चल रही थी इधर, मेरे को जाना था इधर, मैं चला किधर, इस डायरेक्शन में, मैं कितने एंगल से इस डायरेक्शन में जाऊँ कि मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, सीधा। तो मेरा एंगल इतना होना चाहिए कि इधर वाली मेरी वेलोसिटी नहीं सॉरी इधर वाली रिवर की वेलोसिटी और इधर वाली मेरी वेलोसिटी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, ताकि मेरी बची हुई वेलोसिटी केवल और केवल किस डायरेक्शन में बचे, जिस डायरेक्शन में मेरे को पहुंचना है, यानी अपोजिट एंड की तरफ मेरे को पहुंचना है। तो ये कंडीशन में लगा देता हूं कि ये जो वैल्यू है ये अगर इसके बराबर होगी तो ही तो वो यहाँ पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। तो ये आ गया फाइव साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री, और साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव, तो शायद एंगल आपको पता चल गया है, थ्री अपॉन फाइव यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होता 37 पे, तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। ये कितना आ गया आपका 37, ये कितना आ गया आपका 37। तो पहले पार्ट का आंसर बताइए, एंगल क्या आएगा, एंगल क्या आएगा, एंगल विच मेक्स इट विद डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द, ये एक पूरा एंगल ये चाहिए मेरे को, तो इसको मान लीजिए अल्फा। तो ये लो भाई, अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस 37, ये लो काम खत्म इसका, 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री कितना हो गया 127 डिग्री, एक पार्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि अपोजिट एंड पे पहुंचना है, तो केवल तभी पहुंच पाएगा जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, इधर वाली वेलोसिटी इधर वाली क्या हो जाए। तो एंगल आ गया 37 डिग्री, ये जो एंगल आया ये कितना आ गया, इसको मैं कर रहा हूँ 37 डिग्री ना, कितना 37 डिग्री।
तो अब क्या करें, अब मेरे पास बी पार्ट को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो उस ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है वो मेरे को पता, वी की वैल्यू मेरे को पता कितनी है, 5 cos 37 है ना, 5 cos 37 इज इक्वल टू डिस्टेंस मेरे को पता कितना, इधर से इधर 0.5 किलोमीटर, 0.5 टाइम निकाल देंगे, दिस इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 अपॉन में 5 cos 37 पे क्या होता है, cos 37 पे होता है 4 upon 5 इस 5 से कैंसिल, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में 4। तो इसको सोल्व कर दीजिए क्या आ गया है, 0.125 सेकेंड, ये देख लेना भाई कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है, जो भी है आप इसको जरूर देख लेना कि सही है या नहीं, दिस इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब देखिए आप, आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में एक पार्ट और पूछ लेता, बस एक ही पार्ट और बचा है, वो है कि व्हाट इज इट्स ड्रिफ्ट इन द रिवर, व्हाट इज इट्स ड्रिफ्ट इन द रिवर। वो क्या पूछेगा, ये डिस्टेंस पूछता है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना ड्रिफ्ट हो गया, यानी जिस एंगल से वो चला था, अगर रिवर जिस एंगल पे वो चला था वहाँ पे अगर रिवर की वेलोसिटी जीरो कर देता तो कहाँ पहुँच जाता, यानी ये निकालना है। तो ये मेरे पास तो ये नहीं निकलेगा क्या, निकल जाएगा। तो ये आपको सोल्व करना है कि कैसे इसका रिजल्ट आपको मिल पाएगा, ठीक है, क्या कोई बता सकता है कैसे निकालेगा, चलिए आपको मैं बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल लीजिए आपको मैं क्या निकालना सिखा रहा हूँ, ड्रिफ्ट निकालना सिखा रहा हूँ, इसके अंदर इसी डायग्राम के अंदर जो काम की चीज़ें हैं मेरी उसको छोड़ के बाकी को हटा देता हूँ, जो मेरे काम की चीज़ें हैं उनको छोड़ के बाकी को मैं हटा देता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले ये मेरे को नहीं चाहिए, किलोमीटर पर आवर वगैरह मेरे को नहीं चाहिए, ये 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है ये टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। देखो मैंने यहाँ पे आंसर सेकंड में लिख दिया था, वो आवर्स में आएगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो 0.125 ही आवर आएगा, उसको सही कर लेना, ठीक है, मैंने शायद सेकंड लिख दिया था, क्योंकि जनरली हम जो सॉल्यूशंस होते हैं मीटर पर सेकंड में करते हैं, इसलिए मैंने उसको सेकंड लिख दिया था, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि मैंने इसको कंप्लीट कोई किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर में कन्वर्ट कर रखा था। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आवर्स में आंसर आ गया टाइम मेरे को पता, इधर जाने की वेलोसिटी मेरे को पता, तो मेरे को पता चल जाएगा कि नहीं वो कहाँ पहुँचेगा, ये पता चल जाएगा ना इसका डिस्प्लेसमेंट कि कितना होगा, ये वैल्यू के पता, हाँ पता चलेगी, v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन इज इक्वल टू 0.125 आवर, ठीक है। अच्छा जी, टाइम हो गया ये, तो डिस्टेंस निकालना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 5 × 0.125, ये आ गया डिस्टेंस, ये पता चल गया, ये डिस्टेंस आ गया 5 × 0.125 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस निकालना है आपको, ये तो गिवन ही था 0.5 किलोमीटर, ये पता, क्या ये मैं नहीं निकाल सकता हूँ ना, अरे निकाल सकता हूँ कि नहीं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर
तो यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को, इस ये निकालना है, तो क्या जाएगा, ये मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक एस था, ड्रिफ्ट को मैं डी मान लेता हूँ, चलिए डी तो कई बार आ लिया, एस मान लेता हूँ, ड्रिफ्ट को एस, डिस्टेंस, डिस्टेंस को एस मान लेता हूँ, तो क्या आएगा भाई, इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ये स्क्वेयर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 × 0.125 का स्क्वेयर माइनस 0.5 का स्क्वेयर, अगर ये निकालना है इसका क्या कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे, क्लियर है, अरे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये दिख नहीं रहा होगा, तो एस इज इक्वल टू 5 × 0.125 का स्क्वेयर माइनस 0.5 का स्क्वेयर अंडर द रूट, इसको सोल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट आ जाएगी, कितना आपका स्लाइड किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़्यादा नहीं 50% अगर समझ में आ गया तो मेरा काम चल जाएगा और आपका भी चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको ट्रिक बताता हूँ इसको करने की। जैसे अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम में मैंने बताया था, तीन स्टेप आप यूज कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल दीजिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल दीजिए, और फिर जो बनेगी स्टार इक्वेशन यानी वही सोल्व करेगी सब कुछ, वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल दीजिए, बस हो गया काम आपका, उसके बाद हो जाएगा। ऐसे ही इसमें करना क्या है, ऐसे ही इसमें करना क्या है, जो क्वेश्चन है उसका अप्रोक्सीमेटली तो सभी क्वेश्चन में डायग्राम मिलता, नहीं मिले तो डायग्राम बना दीजिए, सबसे पहला काम क्या है, डायग्राम बना दीजिए, फिर वो जो चीज़ पूछे ना उस डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल दो। अगर वो पूछे कितनी देर में क्रॉस करेगा, कितनी देर में क्रॉस करेगा अपोजिट एंड पे, तो कितनी देर में क्रॉस करने के लिए कोशिश करनी है कि आप अपोजिट एंड ही निकालो, क्योंकि रिवर की विड्थ पता होगी लेकिन ये नहीं पता होगा जो स्लेंट हाइट, जो स्लेंट डिस्टेंस है ना, जो तिरछे वाला डिस्टेंस है वो आपका कैसे निकाल पाओगे, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप क्या करोगे, सभी केसेस में क्या निकालोगे, सभी केसेस में आप वही निकालोगे क्या, जिस डायरेक्शन में विड्थ हमें पता है, यानी विड्थ पता है उस डायरेक्शन की वेलोसिटी, क्लियर है, यानी ये वाली वेलोसिटी निकालने, ये निकालने का तरीका ये रहा, ये निकालने का तरीका ये रहा। तो कई बार क्या होता है, क्या देगा क्वेश्चन में, वो कहेगा कि कोई आदमी है वो 2 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रहा है ना, किलोमीटर पर आवर से, और जो रिवर की वेलोसिटी वो 1 किलोमीटर पर आवर ऐसे है, एंगल वो देगा। अब कहेगा हाउ मच टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, ये भी देगा आपको, ये मान लिया 0.2 किलोमीटर आपकी, ये बताइए हो जाएगा कि नहीं, हाँ सब कुछ तो आ गया, बच्चे क्या क्या निकाल देंगे, कितनी देर में क्रॉस करेगा, क्या करोगे पहले क्या करोगे, एंगल तो हमारे पास है तो कुछ भी करना तो है ही नहीं केवल और केवल क्या करोगे, इसको रिजोल्व करोगे, तो ये 2 है तो ये क्या आएगा, 2 cos 37, ये निकाल दो, ये आ जाएगी वी, ये हो गया एस, वी हो गया एस, हो गया टी, निकल जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब कंसंट्रेशन से इस क्वेश्चन को समझिए, नेक्स्ट वीडियो में 2 या 3 न्यूमेरिकल इसी टाइप के मैं और करवाऊँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एक टास्क है आपकी, देखिए क्वेश्चन में कुछ भी चेंजमेंट कीजिए, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बस मेरे को ये बता दीजिए कि हाउ मच टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम, हाउ मच टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर इफ़ इट्स वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, इफ़ इट्स वेलोसिटी इज, यानी ये जो एंगल जो 37 था वो इधर हो जाए तो कितनी देर में इस रिवर को क्रॉस करेगा, बस ये टास्क है आपकी कि अगर ये एंगल 37 डिग्री हो जाए तो अब वो कितनी देर में इस रिवर को क्रॉस कर देगा, ठीक है। टाइम चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये टास्क है आपकी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।